नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको वॉशिंग मशीन का घर पर 10 मिनट में ही आप कवर कैसे बना सकते हैं यही बताऊंगी। चाहे तो आप कोई बेडशीट ले लीजिए, कर्टन ले लीजिए, मैंने अपने पुराने कर्टन लिए हैं, कोई भी आपके पास पुरानी चीज़ है बेडशीट कर्टन्स वो लेके, और अगर जिप वाला बनाना चाहते हैं तो जिप लगा लीजिए, अगर फिटेड बनाना है आपने इलास्टिक भी डाल सकते हैं। लेस मैंने ये लिए हैं अपने पुराने शर्ट से उतार के, ये भी मैं यूज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले आपकी वॉशिंग मशीन जितनी बड़ी है उसका साइज़ माप लीजिए। ये देखिए, ये मेरी 27 इंच चौड़ी है और 36 इंच लंबी है। ये 36 इंच लंबी है, ये मेरा इंची टेप छोटा है, मैंने मापी हुई है, ये 36 इंच लंबी है। तो लंबाई में ही मैंने इस कर्टन को ये देखिए काट लिया है, किससे कर लिए हैं पहले से ही। ये देखिए, आप चारों साइज का नाप लीजिए, जैसे मैंने ये नाप लिया था। अगर आप किनारी है इसकी, किनारी रखेंगे तो नीचे आ जाएगी, अगर फोल्ड करना है तो फोल्ड भी कर सकते हैं। अब हमने ये एक होल तैयार कर लिया है। अगर आपका छोटा है पीस तो आप इसके अंदर जॉइंट भी लगा सकते हैं, मेरा पूरा था तो मुझे जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं आपको ऊपर ढक्कन का कैसे काटना है वो भी बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने मापा हुआ था पहले ही 25 इंच, तो ये 2 इंच हमने फालतू ही रखना है। ये देखिए, इतना मेरा पूरा ढक्कन आ रहा है, और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से मैं कट करके आपको दिखाती हूँ, और ये मेरे ढक्कन का बन जाएगा। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, मार्केट में हम लेने जाते हैं तो बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और घर पे हम पुरानी वेस्ट पड़ी अपनी बेडशीट और कर्टन्स को यूज़ करके ही बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ढक्कन का भी बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो लेस लगा लीजिए, फ्रिल लगा लीजिए। मैं आपको आज दो तरह के बनाने सिखाऊंगी, आप उस पर जिप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। अगर आपको लेस लगानी है तो लेस यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर फ्रिल लगानी है तो आप फ्रिल भी लगा सकते हैं। देखिए, अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अगर फ्रिल लगानी है तो आपको नीचे वाला पोर्शन सिर्फ खोल सिल लीजिए, और पीछे आपको ज्वाइंट करना है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, और सिलाई करना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी सिल सकते हो। तो मैं इसको नीचे वाले खोल से ज्वाइंट करके आपको दिखाती हूँ 5 मिनट। के लिए कपड़ा कट कर लिया है, और इसमें ज्वाइंट लगेगा तभी फ्रिल के चुन्नट आएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं आगे फ्रिल वाला बना रही हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है। जिप नहीं लगानी है तो फ्रिल वाला बहुत ही अच्छा लगता है। और अब आगे से भी हम इसे थोड़ा थोड़ा सा तुरप लेंगे, क्योंकि इसके पर्दे के धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो मैं इसको भी आगे से फोल्ड कर दूँगी थोड़ा सा फ्रिल को, ताकि हमारे धागे भी ना निकलें और फिनिशिंग आ जाएगी इससे बहुत अच्छी। अगर हाथ से करना चाहते हैं तो हाथ से तुरपाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हाथ से भी आराम से हो जाएगा ये। ये देखिए, ये हमारे ऊपर के कवर का है, तो यहाँ पर कन्नी है, इस साइड में लगाऊंगी ताकि आसानी से हमें आगे भी फोल्ड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके ऊपर ऐसे रखकर मैं यहाँ पर चुन्नट डालती हूँ। अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, और इसको हम कट कर देंगे जो हमारा है, और इस पर हम थोड़े थोड़े से बारीक बारीक चुन्नट डालते रहेंगे साथ में, बहुत ही सुंदर लगेगा। और मैं आपको डाल के दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रिल लगा दी है और एक ये लेस मेरे पास थी, ये मैंने लेस भी लगा दी है यहाँ पर। अब हमने ये जो नीचे वाला पोर्शन था इसको भी हमने सिल लिया है साइड से। ये देखिए, ये मैंने डबल सिलाई लगा दी है ताकि ये इसके धागे भी ना निकले। अब जो ये सिलाई लगाई है इसके ऊपर हम जो ये हमारे ऊपर का ढक्कन का पार्ट है इसका मिड ले लेंगे हम। इसको बीचों बीच हमने डबल कर लेना है ये, और यहाँ पर हमने एक कट लगा लेना है छोटा सा ताकि हमारा बीच का पार्ट इसके ऊपर सिल जाए। ये देखिए मैंने कट लगा दिया है। और जो ये हमारी सिलाई है और सिलाई के ऊपर हम इसको रख देंगे, इस कट को हम इस सिलाई के ऊपर से रख देंगे ताकि ये हमारा बीच का पोर्शन हमें पता चल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये हमारा पूरा वॉशिंग मशीन का कवर सिल चुका है। अब मैं इसको पूरा कवर करके आपको एक बार दिखाती हूँ कैसा लगेगा। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी पूरी वॉशिंग मशीन अच्छे से कवर हो गई है और कितनी सुंदर भी लग रही है। आप कोने में कहीं पर भी रखें लगेगा भी नहीं कि आपने वॉशिंग मशीन रखी हुई है। चाहें तो आप इसके ऊपर बुक्स भी रख सकते हैं हर रोज़ में, और ये बिल्कुल कवर हो गई है। आपको हमारी वॉशिंग मशीन के कवर बनाने की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप भी ज़रूर बनाएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।